मैंने सुना था फिल्म के बारे में, मराठी फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, लेकिन आज ये प्रोमो देखकर तो लगा शायद उससे आगे निकल जाएंगे हम लोग। क्या बात है, अच्छा सब्जेक्ट है, कॉमेडी है, बड़ी खूबसूरत लग रहा है। मेरे बच्चे भी मुझे डिफरेंट लग रहे हैं, वो लग ही नहीं रहा है 2.5 किलो वाला और वो, लेकिन ये वो सर ही मैन की फैमिली से नसबंदी, मेरी नसबंदी तो कुदरत भी नहीं कर सकी। जय हो जय हो जय हो। टू गुड। खैर, फिल्म के लिए करवानी पड़ती है भाई, और आपको इकट्ठा किया है, आज बुलाया है। आप प्यारे दोस्त हैं, आपसे जुड़ा हूँ पिछले 55-60 साल से, आपकी पहली पीढ़ी मेरे साथ थी। तो ये जो आज जो जश्न या ये फंक्शन किया जा रहा है, इसके पीछे आप समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हमने एक अच्छी एफर्ट की है, और इस एफर्ट को अगर आपके आपका भी सहारा मिल जाए तो ये 4 चांद लग सकते हैं इसको। और तलपड़े बड़ा प्यारा बच्चा है, अक्सर मिलता रहता है मुझे, लेकिन अब मैं बीच बीच में आहिस्ता से अंदर से, तो मैं ये एक्टिंग मेरी महबूबा है ना, मैं इसको प्रोफेशन नहीं समझता। ये रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ, ये मना लेती है। आपने देखा होगा मेरा आना जाना रहता है, और आप दिल में बसा लेते हैं हमेशा की तरह। तो मैं तलपड़े से कहता हूँ, यार कोई ऐसी अच्छी कहानी और ढूंढ जिसमें नसबंदी ना हो, कुछ और बंदी हो, और नसबंदी शराबबंदी ये सब मत करना। कुछ ऐसी बंदी करो जिसकी बंदी करने से तकलीफ ना हो, बंद करके रख दो बस। तो बहुत प्यार आप सबको, मेरी दुआएं हैं, और सोनी से क्या है, स्नेह है, स्नेह भी है, प्यार है। सिंह साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हम क्या है कि आपने देखा होगा गाहे बगाहे आते हैं, शायद इसलिए कुदरत ने सोचा कि रोज़ का आना जाना कदर खो देता है। लेकिन गाहे बगाहे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं, तो दुआ करता हूँ उससे कि इस बार भी हम छाप छोड़ जाएं दिलों पे, दिमाग पे, जो अरसे तक याद रह सके। शोहरत तो आनी जानी है भाइयों, समंदर शोहरत के साहिल नहीं होते। मैंने देखे हैं एक से एक तैराक डूबते यहाँ। तो इस शोहरत को बनाए रखने के लिए मेरे ख्याल से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। और हमने कोशिश की है कि शोहरत से कहीं ऊपर चल के मोहब्बत पैदा की जाए, दिलों में रहा जाए। तो आज भी एक एफर्ट की है ताकि हमारी मोहब्बत आपके दिलों में बनी रहे, आवाम में बने रहें। क्या है हमारी सेहत का राज? आप सबकी मोहब्बत। आप जब मोहब्बत करते हैं, हमारे जज्बात को सींचते हैं, तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। आज भी सांस बैठा हूँ, कम नहीं लग रहा। और बातें क्या करूं, जी जान से आपको प्यार, दुआएं फिल्म के लिए, सबको जो इससे जुड़े हुए हैं, यूनिट के लोग, कैमरामैन, whosoever is with us, my good wishes are with them, my love is with them, and I pray to Almighty make this picture a big hit, so that हम आगे भी चल सकें। दुआएं बहुत, और मेरी दुआएं असर कर जाती हैं, वो मेरा बहुत दोस्त है, मेरी दुआओं में भी असर है, और वो मेरा दोस्त भी है। तो खुश रहिए, मेरे ख्याल से आपको भी अच्छा लगा होगा इस प्रोमो। सब कैसा लगा, एक दफा हाथ खड़े करके बताइए। यू लव यू लव यू, आई हेयर अ गुड एको, गुड, जीते रहिए, खुश रहिए। यार ये वंस मोर के चक्कर में देश की आबादी पता कहाँ, मुझे खुद लगा जब आपने किसी ने पीछे से कहा दूसरी बार देखना है, तो मैं ऐसे लगा मेरे दिल की बात कह दी, मुझे भी देखना था, मैंने पहली बार देखा है। तो वाकई प्रोमो में दम है, तो पिक्चर में बहुत दम होगा। आपको अंदाज़ा हो गया कि क्या कुछ टूट जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं। एक कमबख्त नसबंदी बहुत ख़राब चीज़ है।
So obviously, you know, you went through a lot, but your female protagonist also must have gone through a lot. Can I please invite Sonali Kulkarni and Sameeksha Bhatnagar onto the stage, please? Please. Sir, मतलब आपने तो बता दिया कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, but जब इन्होंने genuinely इन्होंने आपको ये idea present किया, what was the first thought in your mind? सबसे पहला ज़हन में क्या ख्याल आया? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनकी पिटाई करनी चाहिए? नहीं, जब मैंने सब्जेक्ट सुना, इसके बारे में पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. जबकि मैंने मराठी फिल्म देखी भी नहीं, बट मुझे आइडिया इतना अच्छा लगा कि मैंने शेर से कहा कि ये हम पक्का करेंगे. एंड आई एम श्योर यू नो इट आल्सो काइंड ऑफ गिव मी अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट सर हैज ऑलरेडी डन. चुपके चुपके के स्टाइल में आपको मैं देख रहा हूँ, आप हिंदी के टीचर बने हुए हैं. जैसे मैंने आपको देखा कि आप हिंदी के टीचर, मैं खुद किंग करते हुए विमूड हो गया. मैंने कहा भाई कमाल है यार, तो कमाल ही हो गए. तो नहीं यार, मैंने हर्ड द स्क्रिप्ट, मैं भी थोड़ा डर गया था कि मुझे इतनी शुद्ध हिंदी बोलनी है. और पर इट्स अ बिग चैलेंज, इट वाज अ बिग चैलेंज, बट दैट्स व्हाट द फन ऑफ द होल कैरेक्टर वाज, टू स्पीक इन हिंदी. एंड श्रेयस वाज अ रिहर्सल कर ली वो तो मैं चुपके चुपके देख रहा था, आपको कैसे पता चला? पर इट वाज, आई मीन मी एंड श्रेयस सैट एंड वी डिड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप टुगेदर. एंड व्हेन वी वुड working on the in the workshop, he knew all the dialogues, you know. It was incredible how he was like, he knew everybody's dialogues. To main bol raha hu yaar tu hi bol de mere film mein dialogue, lekin finally I had to say it in Hindi, which was fun, and it was difficult, as you saw in the promo. I mean, shukravai ko chedan, koi janta hai iska matlab kya hai? Shukravai ko chedan ka matlab janta hai koi? Shukravai ko nahi. आप डायलॉग रिपीट कर दीजिए ताकि इनको पूरा डायलॉग एक बार रिपीट. ओके, सभ्य भाषा. हाँ, सभ्य भाषा. मैं आपसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूंगा. आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए. आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्र भाई को छेदन के संदेश वाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को, आज शुक्रवार को हमारी फिल्म आ रही है सितंबर. प्लीज जाइए और देखिए. तो किसी को पता लगा कि क्या क्या बोला? मनोज तेरे को पता? अच्छा, वो लिफ्ट में जो आए थे उन्होंने शुक्रवार को करा दिया. पथगामिनी वगैरह शब्दों का प्रयोग किया था, उसकी मामूली सी झलक थी, लेकिन ये फिल्म कुछ और ही है. मैं जानना चाहता था कहानी क्या है भाई. मैं मराठी फिल्म भी नहीं देख सका. आज देखता हूँ, कल देखता हूँ, किसी ने दिखाई नहीं. अपना थिएटर है तो भी नहीं दिखाई मुझे. और ये शर्मीला है, शर्मा के निकल जाता है. इसे टालना आता है, ये टाल के निकल जाता था. अब समझ नहीं आए. मैं ऐसे खुला नहीं था इतना, तो मैंने कहा कुछ अच्छा ही होगा जब मराठी लोगों को इतनी फिल्म अच्छी पसंद आई है. मराठी लोग फिल्म को जो देखते हैं और पसंद करते हैं, उसमें कुछ होता है. पंजाबी तो कुछ भी पसंद कर लेते हैं. चक दे फटे मराठी जो है थोड़ी सी बारीकी में भी चले जाते हैं. तो कुछ बारीकी होगी इसमें, जो मोटापन हम पंजाबी समझ सकते हैं, बारीकी जल्दी समझते हैं. तो मुझे लगता है आज ये प्रोमो देख के फिल्म काफ़ी बहुत अच्छी होगी. बाकी तो मेहनत करना हमारा फ़र्ज है, नतीजा उसके हाथ में है. लेकिन वो हमारी सुन लेता है, हम उसे बहुत प्यार करते हैं. एंड सनी सर, मतलब क्या सर, इनके दिमाग में दूसरा एन वर्ड है, विच इज नसबंदी राइट नाउ. तो एंड सनी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसी वजह से हम लोग ये पिक्चर बनाई है ना, नसबंदी पर है. सो आई थिंक दे विल टेक केयर ऑफ इट ऑल. ओके, सो मुझे लगता है जैसे ये रिवाज चल पड़ा है, YPG 1, YPG 2, YPG 3 बनने जा रहा है अभी, इसका भी लगता है कि वो 2 बनेगा और कुछ नए ढंग से बनेगा. आज से श्रेयस सोचना शुरू कर देगा. सक्सेस को नजर आ ही रही है, लेकिन सोचते रहना चाहिए क्या आगे कैसे बढ़ना है. तो लगता है कि इसका 2 भी बनेगा. तो साहब, हम सीधे सीधे चलते हैं, हमें कुछ पकड़ना नहीं आता, हम पकड़ते नहीं. मिल गया, चल पड़े. हमें वो हिर्स नहीं है इस चीज की, लालच नहीं है. हम सिर्फ
हल्के फुल्के प्यार के लिए करते हैं और जो मिल रहा है आज तक मिल रहा है, तो इसलिए भाग दौड़ ये भी वो भी यहाँ भी वहाँ भी क्या जरूरत है साहब, रोटी तो दो ही खानी है। मैं भी आ रहा हूँ भाई, मुझे मालूम है इसे, मेरा भी जी चाहता है। मैंने कहा ना ये मेरी महबूबा है, ये प्रोफेशन नहीं मेरा। जब मैं आया था इंडस्ट्री में इसको अपनी महबूबा समझ के आया था। आज ये पोस्टर्स देख के मुझे याद आया, मैंने कभी कभी लिखता हूँ, नौकरी करता था मैं, कि नौकरी करता साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब सजाता और सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या। तो इस तरह से ये मेरी महबूबा है और ये मेरी महबूबा है, ये छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, इससे बड़ा प्यारा है, बहुत इश्क है इन बच्चों को। इन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी, मैंने उर्दू पढ़ी थी। उर्दू जबान ऐसी है कि उसमें एहसान मंद हूँ, जबान उर्दू तेरा, तेरी जबा में बयान ऐसा से दिल आ गया, कुछ जज्बाती हूँ। जब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी शायरी करूँगा, लेकिन कुछ होता है आते आते आ जाती है, बहुत सी चीज़ें मुझे अब मिल रही हैं। मुझे लगता है बहुत मेहरबान है मुझ पर, कुछ ना कुछ देता रहता है मुझे, चुपके बैठ आराम से क्या मतलब, मुझे खामोश बैठने नहीं देता, वो मेरे साथ है। इसलिए ये अपने अपने मन में महारा भी, मैं इसके जूते देख रहा था तो मैं सोच रहा था मैं कैसे चोरी करूँगा घर जाके, क्योंकि ये कपड़े छुपा लेते हैं, ये गिन लेता है अपने मेरे कपड़े किधर हैं, और ये कपड़े सनी के पहन के सनी का परफ्यूम लगा के वहाँ रखा था ताकि पता ना लगे इसने पहना था। तो मैं इनको शौक है, अपने अपने शौक हैं, लेकिन आई एम हैप्पी, आई एम लकी, माई किड्स आर वेरी वेरी नाइस एंड दे विल रिमेन ह्यूमन, दे विल बी ऑन द ग्राउंड। तो ये मेरी बहुत बड़ी एक बहुत बड़े इतने इस मकाम पे आके भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उसने मुझे ऐसे बच्चे दिए हैं।